हेलो एवरीवन, तो नीट 2022 के एस्पिरेंट्स कैसे हो आप सभी। सबसे पहले तो यार ये बताओ कमेंट सेक्शन में आप सभी की पढ़ाई किस तरीके से चल रही है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें डेट्स और इन सबको वो तो बात की बात है, मेन चीज़ आपकी पढ़ाई किस तरीके से चल रही है कमेंट सेक्शन में बताओ। क्या आपके रिविजन करना स्टार्ट करने वाले हो या अभी बहुत सारे चैप्टर्स बचे हैं बता देना। देखो यार, अभी कन्फ्यूजन बहुत मार्केट में क्रिएटेड है कि कहा जा रहा है कि आप सभी का एग्जामिनेशन कोई कह रहा है कि अगस्त में होगा। अगस्त तक पहुंच चुके हैं लोग, अब तो मैं क्या कहूं, कुछ कह रहे हैं कि हमारा मई में ही करा लेंगे। तो देखो यार, ये जो चीज़ें हैं इन पहले तो मैं अपनी तरफ से मैं ओपिनियन दूंगा और प्रूफ्स के साथ थोड़ा सा मैं डिस्कशन करना चाहूँगा। वो करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा यार, देखो मार्केट के अंदर कोई कुछ भी बोले, ठीक है ना, कोई बोले कि अगस्त है, कोई बोले जुलाई है, आपको उन चीज़ों पर ना ध्यान देकर के आपको पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और पढ़ाई को आपको कंप्लीट करके चलना चाहिए मई तक में, ठीक है। मई के 15th मई के अप्रॉक्सीमेटली आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए 15th में। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको उसके बाद रिवीजन का टाइम चाहिए। भले ही कोई बोल रहा हो जून, भले ही कोई बोल रहा हो जुलाई, कोई बोल रहा हो अगस्त, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। 15 मई तक अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया फिर रिवीजन करोगे तब सिलेक्शन हो पाएगा, वरना आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर मैं आपको प्रूफ के साथ थोड़ा सा डिस्कशन करूं तो यार 3 जुलाई को जेई एडवांस हो रहा है। जब 3 जुलाई को जेई एडवांस होगा तो उसके 10 से 15 दिन बाद जाकर के ही नीट का एग्जामिनेशन लिया जाएगा। तो एग्जामिनेशन यार देयर आर चांसेस कि आपका 24 जुलाई को एग्जाम हो सकता है, ठीक है। 24 जुलाई मैं डेट अगर अपनी तरफ से कहूं, यानी कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई में होगा आपका एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आपको यार मेनली अभी फोकस करना अपनी पढ़ाई पे। एक मैंने डेट बता दी और साथ ही मैंने ये भी बता दिया कि क्या टारगेट लेके चलना है, कब तक सिलेबस कंप्लीशन, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा फिर आपका पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। उसके बाद रिवीजन, उसके बाद मॉक टेस्ट, बहुत सारी चीजें होती है। आपको ऑल इंडिया लेवल पे मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, कितने पानी में हो आपको वो जानना पड़ेगा। तो इसलिए यार यूट्यूबरों के चक्कर में मत फंसो, उनका क्या है कोई वो मतलब मत रखो, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और मैंने अप्रॉक्सीमेट बता दिया 24 जुलाई को। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आपके लिए जो भी अच्छी चीज पॉसिबल होगी, जो आपको चाहिए कमेंट में बताओ, हम लोग आपके लिए ला रहे होंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।